विदिशा के पठारी खुरई मार्ग पर स्थित बीना नदी के पुल से रेलवे गाटरों से भरा ट्राला ड्राइवर के अचानक नींद के झोंके के कारण पुल से नीचे जा गिरा, जिसमें ड्राइवर की तुरंत ही मृत्यु हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी खुरई रोड पर स्थित बीना नदी के दलपतपुर घाट पर देर रात एक रेलवे के गाटरों से भरा हुआ ट्राला पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। इसमें सागौनी उमरिया जिला सागर निवासी उम्र 20 वर्ष ट्राला चालक गोलू अहिरवार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक विदिशा जिले के परेड से रेलवे के गाटरों से भरा एक ट्राला पठारी होते हुए खुरई के सुमरेडी रेलवे स्टेशन के पास जा रहा, जहां तीसरी लाइन का काम लगा हुआ है। इस बीच बीना नदी के दलपतपुर घाट पर ट्राला पलट गया। इसकी सूचना ग्रामीणों एवं राहगीरों ने ड्रायल हैंडेड को दी। इसके बाद पुलिस, राजस्व टीम एवं ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे। उन्होंने जाकर देखा तो ट्रक ड्राइवर पूरी तरीके से केबिन में दबा हुआ था, उसका सिर्फ थोड़ा सा पैर दिख रहा था। इसके बाद तहसीलदार आरके मेहरा, थाना प्रभारी दीपक राठौर, एसआई शैलेंद्र नायक, मान सिंह यादव एवं समस्त दल बल के साथ बचाव कार्य में लग गए। बता दें, लगभग 7 घंटे कड़ी मेहनत करके हेडरा मशीन के द्वारा सबको निकाला गया। इसके बाद सबको पोस्टमार्टम पठारी के स्वास्थ्य केंद्र पर कराकर सब परिवार को सुपुर्द किया गया। ट्राला के पीछे चल रहे दूसरे ट्राला के ड्राइवर आरिफ खान ने बताया कि नदी से पहले ना तो ब्रेकर है और ना ही रेडियम वाले संकेतक लगे हैं, जिसके कारण यह हादसा हो गया। विदिशा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेल एक रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। हादसे का कारण ये है कि ये नदी पे मूड़ है, ना तो इस पे बोर्ड है ना ब्रेकर है, कुछ भी नहीं है। मैं कोई ऐसी चीज नहीं है कि डाबर के लिए हमें महसूस हो जाए कि आगे नदी है, मैदान है, कुछ नहीं है। यहाँ पे गाड़ी इसी चक्कर में ये सीधी आ गई। और रोडों पे क्या व्यवस्था रहती सर? और क्या व्यवस्था, आदमी के लिए ब्रेकर चाहिए, बोर्ड चाहिए, आगे सूचित तो करे खींच के हमारा ये आगे नदी है, ये चीज तो महसूस मिलना चाहिए ना हम लोगों को। आगे जो बोर्ड लगे हैं उन पे भी तो जंग लग चुकी है, उन बोर्डों पे कुछ नहीं है, जंग लग गई है बोर्डों पे, कुछ लिखा पड़ा कुछ नहीं है उन पे, ना रेडियम लगा है उन पे, ना कुछ लगा है, कुछ भी नहीं है उन पे। मैं जी रेडियम होना चाहिए रात में के लिए, कि रात में वहाँ आया तो देखे रेडियम चमक कर तो जाता है। ब्रेकर होना चाहिए लाइट वाले, ऐसी टन वाली जगह पे नदी में। पुलिस वालों ने सूचना दी हमारे लाने गाड़ी की, और बरेट से भर के आ रहे थे तो 100 नंबर वाले हमारे पास रात में पहुँचे कि आपकी कंपनी की गाड़ी पुल में गिर गई है। ठीक है, गोलू नाम का ड्राइवर था, इनका छोटा भाई था, रहने वाला है सागौनी उमरिया जिला सागर का, तहसील राहतगढ़, जिला सागर थाना लगता है राहतगढ़। हादसे की जानकारी मिली, कैसे हुआ हादसा? ये हादसे की जानकारी हमें 100 नंबर वालों ने दी थी, गाड़ी पर मेरी लाने मेरे से परिजनों को फोन करके हमने बुलाया। तो आप क्या दूसरा ट्रक चला रहे थे? हाँ, मैं दूसरा ट्रक चलाता हूँ उसी कंपनी में। नहीं, अलग कंपनी में। आपका क्या नाम? आरिफ खान।